तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज अपन बात करेंगे हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री के गैंगस्टर्स के बारे में जिनसे कोई पंगे लेना पसंद नहीं करता है। यानी कि भाई अगर तुम इनसे पंगे लोगे या तो तुम्हारी जान जाएगी या तुम्हारा करियर ही खत्म हो जाएगा। मतलब भाई लोग आप लोग को ये पता कि बाहर कितना ज्यादा गैंग कल्चर एक्टिवेट है, तो इसी वजह से कितने सारे रैपर्स को गोली मार दी गई है और कितने सारे रैपर्स अभी भी जेल के अंदर बंद है। बहुत अच्छे अच्छे रैपर्स जैसे टूपाक, एक्स, किंग वॉन और पॉप स्मोक जैसे रैपर्स की डेथ हो चुकी है गैंग कल्चर के वजह से। गैंग कल्चर इन द सेंस अगर आप हमसे पंगे लोगे तो आपके जान के ऊपर खतरा है। तो इसी तरह से हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को खोया है अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में। खैर एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना ज्यादा वायलेंस नहीं है, वो एक तरह से अच्छा ही है। लास्ट बार जो वायलेंस हुआ था इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में वो था जब गुलशन कुमार को गोली मार दी थी डी कंपनी द्वारा। तो चलो भाई लोग आज अपन बात करते हैं टॉप 7 गैंगस्टर्स ऑफ हिप हॉप म्यूजिक। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और अगर अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा भाई। तो अपन शुरू करते हैं टॉप 7 गैंगस्टर्स ऑफ हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री। तो भाई लोग सातवें नंबर पे है एमिनम, एके स्लिम शेडी। एमिनम ऐसे एक रैपर है जिनसे लिरिकली कोई आज तक जीत नहीं पाया है बीफिंग में और उनके साथ डॉक्टर ड्रे है, तो मींस आप समझ सकते हो कि वो कितने पावरफुल है। एमिनम को इंडस्ट्री में आए हुए 20-25 साल हो गए, उसके बावजूद आज भी उनका खौफ जारी है। बोले तो अपन कह सकते हैं कि एमिनम जो है हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री के भैया है। अगर आपने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एमिनम से अर्ली 2000s में कुछ लोगों ने पंगे लिए थे जैसे कि जारूल और लिम बिस्किट वगैरह, और इसके रिटर्न में एमिनम ने उनका करियर ही उड़ा दिया। मींस आज वो लोग स्पॉटलाइट में ही नहीं है और वो लोग जिंदा है कि भी नहीं ये भी लोगों को पता नहीं है। एमिनम का एक तरफा राज रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, और रिसेंटली MGK यानी मशीन गन केली से उनके पंगे हुए थे क्योंकि मशीन गन केली ने उनकी बेटी हेली के लिए कुछ ट्वीट करा था और वहां से इशू शुरू हुआ था दोनों के बीच में और काफी डिस्ट्रैक्ट वगैरह भी निकले थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके डिस्ट्रैक्ट ज्यादा इंपैक्टफुल थे। और अभी एमिनम ने अपना गैंगस्टर वाला मोड ऑन कर दिया है और MGK को कोई भी सॉन्ग्स वगैरह रेडियो प्ले नहीं मिल रहा है क्योंकि एमिनम का उतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स है इंडस्ट्री में और उनका खुद का रेडियो शो भी है, वहां पे भी MGK अभी फिलहाल बैन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एमिनम से पंगा लेना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, अपने जान के लिए तो नहीं लेकिन अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो ये है अपने 7th नंबर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर पे है डीडी। डीडी आजकल उनके म्यूजिक से ज्यादा अपने बिजनेस वगैरह के वजह से चर्चे में रहते हैं। ये एक रैपर, प्रोड्यूसर और एक लेबल ओनर भी है। डीडी का खुद का वोडका ब्रांड भी है और उनका नेटवर्थ $820 million है। और आपको पता है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा मुसीबत। अगर आप सॉफ्ट रहोगे तो कभी भी इतने पैसे हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको एक रूथलेस बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा। सो सेम डीडी ने भी वही किया। इनका रिकॉर्ड लेबल है जिसका नाम है बैड बॉय रिकॉर्ड्स, जिसमें बिगी साइन थे यानी टूपाक के राइवल और सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे ये लोग एक टाइम पे। कुछ रूमर्स ऐसे भी है कि टूपाक का जिनने मर्डर किया था ऑरलैंडो एंडरसन, उसका जो स्पॉन्सर किया था वो डीडी ने किया था, और इसके बदले में उनके बेस्ट फ्रेंड और अपने लेबल के हॉटेस्ट आर्टिस्ट बिगी को उन्हें खोना पड़ा था, यानी कि बिगी का भी मर्डर हो चुका था। डीडी जो है वो क्रिप गैंग से एफिलिएटेड है और उनका राइवलरी है ब्लड गैंग से। अगर आपको पता नहीं कि ब्लड गैंग और क्रिप गैंग क्या होता है, हमारे चैनल पे एक वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ब्लड गैंग और क्रिप गैंग क्या है। शुक नाइट जैसे गैंगस्टर लेबल ओनर से पंगे लेने के बाद आज भी डीडी का बाल भी बाका नहीं हुआ है। मींस आप समझ सकते हो कि ये कितने पावरफुल है और अपने लिस्ट पे क्यों है ये 6th नंबर पर। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर पे है डबेबी। बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है इनकी और ये एक ही नहीं कई बार साबित कर चुके हैं कि इनसे पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। बहुत बार डबेबी माराकुटी में अरेस्ट हो चुके हैं। मींस अगर तुम इनके सामने जाके बकवास करोगे तो मार खाना तुम्हारा तय है। तो भाई लोग चैनल से जुड़े रहना क्योंकि डबेबी का भी बायोग्राफी बहुत जल्द आने वाला है। न्यू स्कूल आर्टिस्ट में सबसे डेंजर यही है फिलहाल डबेबी। एक ऐसा हादसा हुआ था कि ये वॉलमार्ट में थे अपनी बेटी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो एक बंदा इनको लूटने के लिए आया जो 19 साल का था। डबेबी के हाथ में तब उनका लाइसेंस वाली गन थी और उन्होंने सीधा निकाल के उस बंदे को गोली मार दिया और वो बंदा ऑन द स्पॉट मर गया। ये केस कोर्ट में भी गया और बेबी के ऊपर मर्डर चार्जेस वगैरह लगे थे, लेकिन लास्ट में यही साबित हुआ कि बेबी ने अपने सेल्फ डिफेंस में और सेल्फ प्रोटेक्शन में गोली चलाई थी। और इसी तरह केस वगैरह डिसमिस हो गया और डबेबी है अपने लिस्ट में 5th नंबर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर पे है बर्डमैन। म्यूजिक बिजनेस के ये अंबानी है, मींस पिछले 30 साल से ये इस गेम में है और आज भी उतने ही कंसिस्टेंट है जितने कि ये अर्ली 90s में थे। इनका ही रिकॉर्ड लेबल है कैश मनी रिकॉर्ड्स, जिसमें लिल वेन, ड्रेक, निकी मिनाज जैसे आर्टिस्ट जुड़े थे। और यही नहीं, ये बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड रिकॉर्ड लेबल है क्योंकि पिछले 30 साल से ये एक्टिव है। बर्डमैन जो है न्यू ऑरलियंस के बड़े ही रफ एरिया में पले बड़े है और ये वहां ड्रग्स वगैरह बेचते थे और बर्डमैन इसी वजह से अरेस्ट भी हुए थे और जेल भी गए थे। करीब 1 साल ये जेल में थे और देन उसके बाद वहां से निकल के इन्होंने अपना रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट किया जो है कैश मनी रिकॉर्ड्स।
बर्डमैन बहुत ही एग्रेसिव बिजनेसमैन है और बहुत ही स्ट्रिक्ट डीलिंग है इनकी। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है ये हिप हॉप इंडस्ट्री में। ये बहुत ही मिस्टीरियस वे में डील करते हैं और काफ़ी पावरफुल भी है, क्योंकि लिल वेन और इनके जो बाकी आर्टिस्ट है लेबल के, वो लफड़ों वगैरह में पड़ते रहते हैं और लीगल ट्रबल वगैरह होते हैं, लेकिन जो बर्डमैन है बहुत स्मूथली डील करते हैं हर चीज़ को, क्योंकि पावर और पैसा दोनों ही इनके पास काफ़ी बेशुमार है। इनके ऐसे ही कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन 2015 में लिल वेन के जो टूर बस पे इनके उन्होंने गोली चलवाई थी, ऐसे एलिगेशन लगे हैं, लेकिन ये आज तक साबित नहीं हुआ है। तो फिर बाद में फिर लिल वेन और बर्डमैन एक हो ही चुके थे। तो भाई लोग अपन आगे बढ़ते हैं और जाते हैं अपन टॉप 3 पे। तो थर्ड नंबर पे है गुची मेन। अगर आपको गुची मेन की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप उनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ना। इस बुक में सब मेंशनड है, उनकी रफ अपब्रिंगिंग से लेके उनके जो ड्रग डीलिंग वगैरह की कहानी सब मेंशनड है और हर चीज का विद प्रूफ बताया गया है। आज के रैपर जैसे फेक स्टूडियो गैंगस्टर्स नहीं है ये। गुची मेन का आधा करियर तो जेल में बीता है, लेकिन इनका कमबैक बड़ा स्ट्रांग है और ऐसे भी रूमर्स है कि ये जो अभी वाले गुची मेन है वो पुराने वाले गुची मेन के क्लोन है। एक बार अटलांटा में गुची मेन के एक फ्रेंड के घर पे पार्टी चल रही थी और गुची मेन भी थे वहां पे, और कुछ गैंग वाले वहां पे लूटने के लिए घर में घुस के आ गए और इसके डिफेंस में गुची मेन और उनके फ्रेंड ने फायर बैक किया और उसमें से एक गैंग मेंबर की मृत्यु हो गई थी। इसी के चलते गुची को जेल जाना पड़ा था, लेकिन फॉर्चुनेटली गुची कैसे तो कैसे करके बच के निकल के आ गए इस केस से। सब फैंस को लग रहा था कि ये अब पूरे लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद हो जाएंगे, लेकिन इनने पहले से ज्यादा स्ट्रांग कमबैक किया, इसीलिए ये टॉप 3 लिस्ट पे आए हैं। और देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एंड रेस्पेक्टेड रैपर्स के लिस्ट में आते हैं गुची मेन, और इनका म्यूजिक भी काफी डोप है। तो अब बारी है नंबर 2 की। नंबर 2 पे है शुग नाइट। इनके बारे में आपने सुना ही होगा या कहीं ना कहीं फोटो देखा होगा आपने टूपाक वगैरह के साथ। समझ लो एक टाइम पे ये दाऊद इब्राहिम थे अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के। इनके बारे में बोलना पड़ेगा तो एक पूरा एपिसोड लग जाएगा, तो इसलिए अपन इनकी बायोग्राफी बना देंगे। अभी मैं बताता हूँ कि ये क्यों इस लिस्ट में है। इनका ही रिकॉर्ड लेबल था डेथ रो रिकॉर्ड्स, जिसमें डॉक्टर ड्रे भी पार्टनर थे, और इसी लेबल के आर्टिस्ट थे टूपाक और स्नूप डॉग वगैरह, जो रियल ओजी है वो इसी लेबल के थे। फिलहाल शुग नाइट 28 साल की सजा काट रहे जेल में मर्डर के वजह से, लेकिन लेट 90s में इनके जैसा खौफ किसी और का नहीं था। ये मल्टी मिलियनेयर थे, ये पूरे स्ट्रीट से आए थे और इनकी कदकाठी भी काफी ऊंची थी, तो लोग इनको देख के ही डर जाते थे। शुग नाइट की बड़ी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। टूपा की जब डेथ हुई थी तब यही गाड़ी में थे टूपा के साथ, और टूपा और इनकी काफी अच्छी बनती थी। अगर पाक अभी जिंदा होते तो आज इनकी कहानी कुछ और ही होती। कहना ये भी है कि टूपा को जिसने गोली मारा था उसको सबसे पहले शुग नाइट ने ही गोली मारा था वापस रिटर्न में, और ओरलैंडो एंडरसन नाम है उनका, तो इसी वजह से भी इनका काफी ज्यादा खौफ फैल गया था, क्योंकि इनसे जो भी एसोसिएट होते थे वो काफी डेंजर हो जाते थे। शुग नाइट बड़े गैंगस्टर तरीके से ही म्यूजिक इंडस्ट्री में आए थे। ये वैनिला आइस नाम के एक रैपर है, उनका जो आइस आइस बेबी सॉन्ग है उसके जो राइट्स है इन्होंने जबरदस्ती साइन करवा के ले लिए थे, और वहां से जो इनकम आया उससे इन्होंने डेथ रो रिकॉर्ड लेबल स्टैब्लिश करा था, और उसके बाद फिर इनके एक पार्टनर भी था जो कि अभी भी जेल में बंद है। गाइस आप लोगों को अगर हिप हॉप की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप एक बार स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन मूवी देखना, उसमें भी बताया गया है शुग नाइट के बारे में। टूपा के डेथ के बाद ही शुग नाइट का जो डाउनफॉल है वो चालू हुआ, और उसके बाद फिर जो उनका रिकॉर्ड लेबल है डेथ रो रिकॉर्ड्स उसको सब छोड़ के चले गए थे। डॉक्टर ड्रे भी चले गए थे और स्नूप डॉग वगैरह भी सब चले गए थे। अगर ये अपने सक्सेस को अच्छी तरह से हैंडल कर लेते तो आज इनकी कहानी कुछ और ही होती, और शुग नाइट जो है वो ब्लड गैंग से एफिलिएशन रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपन अपने टॉप 1 की ओर। तो टॉप 1 पे जो है उनका नाम है जे प्रिंस। इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये एक ओजी है हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में और इन्हें सब बहुत मानते हैं। अगर किसी के बीच में कुछ लफड़ा चल रहा हो तो लोग इन्हें ही बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए। रिसेंटली ड्रेक और पुशा टी के बीच में भी इन्होंने ही मांडवाली करवाई थी। इनको अपन बॉलीवुड के एक रोल से कंपेयर कर सकते हैं, जो वास्तव मूवी में परेश रावल ने जो रोल किया था संजय दत्त को मैटर वगैरह से निकालने का, तो इनका रोल वही है पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में। मींस ये जस्ट एक एग्जांपल है ताकि आप इनके कैरेक्टर को अच्छी तरह समझ पाओ। इनका रिकॉर्ड लेबल भी है जिसका नाम है रैपलॉट रिकॉर्ड्स, और ये लेबल भी कैश मनी जैसे बहुत पहले से ही गेम में है। ये एक एंटरप्रेनर भी है, साथ ही साथ काफी हाई प्रोफाइल रैपर जैसे कि ड्रेक वगैरह के मेंटर भी है। जे प्रिंस नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि इनके हर स्ट्रीट गैंग, चाहे ब्लड हो या क्रिप हो या लैटिन अमेरिकन गैंग्स हो, सबसे इनके अच्छे कनेक्शन से। इन्होंने डीडी को बोला भी था कि संभल के रहना, टूपाक के बदले में वो लोग बिगी को मार देंगे, यानी वो लोग मतलब ब्लड गैंग जो है वो बिगी को मार देंगे। मतलब स्ट्रीट्स वगैरह में जो भी हो रहा हो उसकी सबसे पहली खबर जो आएगी वो आएगी जे प्रिंस के पास। तो गाइस आज यही खत्म होता है टॉप 7 गैंगस्टर्स ऑफ हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, और मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना। और अपना नया गाना आ चुका है राजनीति रैप साइफर, मतलब 4 पॉलिटिकल पार्टी आपस में रैप बैटल कर रही है। अगर आपको ये वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके जरूर देखना। अभी मैं वो गाना थोड़ा सा चला देता हूं।
राष्ट्रवादी है सोच, हर धर्म को सम्मान, अखंड भारत है हमारा, भारतीय पहचान। जब चीन ही टुकड़े टुकड़े हो रहा था देश, तब देश बचाने को उठाई हमने कमान। बैठ के विपक्ष में भी हमने देश सेवा की।